नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना दोस्त ललित और बहुत बहुत स्वागत है आपको आपके अपने चैनल SANDC बाय ललित पे। तो दोस्तों, बहुत दिन से मुझे कमेंट आ रहा था कि प्रोग्रामिंग के बारे में बताइए और 2014 का जो सॉफ्टवेयर है उस पे किस तरीके से वर्क करता है और उसमें सॉफ्टवेयर कैसे बना, मतलब उसमें किस तरीके से प्रोग्राम बनाया जाता है और उस प्रोग्रामिंग को कैसे आप अपने मेमोरी कार्ड पे इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, तो सभी चीज आपको बताएंगे इस वीडियो में, शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखते रहे और स्टेप बाय स्टेप आपको हर चीज दिखाया जाएगा। और इसमें क्या होगा कि हम कहीं पर वीडियो को पॉज नहीं कर रहे ताकि आपको फेंक ना लगे वीडियो, जिससे आप प्रोग्रामिंग हम बनाएंगे उसी प्रोग्रामिंग को आपको हम लाइव आपके सामने लेके जाके उसे जला के भी दिखाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो के साथ बने रहे और जो भाई मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि दोस्तों आपको इसी तरह का वीडियो देखने को मिले। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको जो करना है वो करना है आपको जो मेरा ये जो 2014 जो आपको सॉफ्टवेयर दिख रहा है इसे हम ओपन कर लेते हैं। और ओपन करने के बाद कुछ आपको इस तरीके का इंटरफेस दिखने को दिखेगा। ठीक है, तो सबसे पहले करना है फाइल, न्यू प्रोजेक्ट। न्यू प्रोजेक्ट करने के बाद हमें अपना कंट्रोलर सिलेक्ट करना है, जैसे कि हम अभी आपको T1000S 2811 और यहाँ पे हमारा कैपेसिटी अगर 2000 से, मतलब हमारा अगर 1000 लगाते हैं या फिर 500 से नीचे लगाते हैं तो हमें 512 यहाँ पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम इसे ओके कर लेते हैं। अब देखिए, हमारे यहाँ पे एक साइन दिख रहा होगा तो इसे हम क्लिक कर लेते हैं और यहाँ पे हम कलेक्शन कर लेते हैं 40x50 का। ठीक है, और इसे हमें जो ये है हमारा कनेक्शन का, तो जिस टाइप का आप कनेक्शन करना चाहते हैं तो हम ऑन द लेफ्ट वर्टिकल, मतलब मेरा ये एस कनेक्शन का हो गया। ठीक है, तो ये अब हम कर लेते हैं ओपन। देखिए, टोटल मेरा नंबर जो है प्रोजेक्ट इस 2000 LED का है। ठीक है, तो ये मेरा ओपन हो गया। अब हमें इसमें करना क्या है कि सबसे पहले जो है इसमें हमें डालना है इफेक्ट वीडियो का। तो ये है मेरा वीडियो SWFL, अगर आपको नॉर्मली दिया गया है यहाँ पे बहुत सारा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे कि ये अप डाउन का है। तो चलिए एक हम आपको दिखा देते हैं कि ये किस तरीके से कर रहा है। यहाँ पे आप पहले इसको स्पीड का थोड़ा सा बढ़ा दीजिए और भी बढ़ा देते हैं। अब इसे हम यहाँ से रिकॉर्ड करना शुरू कर देते हैं। तो जितना फ्रेम का आप यहाँ पे रिकॉर्ड करना चाहते हैं उतना फ्रेम का आप यहाँ से रिकॉर्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसे हम लगभग चलिए 200 सेकंड और कुछ 6 मिली सेकंड हो गया। ठीक है, तो चलिए इसमें हम फिर से इफेक्ट डालते हैं, जो कि अब हम इसे चलिए लेफ्ट, चलिए सबसे मेरा जो अच्छा लगता है चलिए डबल एंगल कर देते हैं इसे और इसे रिकॉर्ड करना शुरू करते हैं। तो जैसा इफेक्ट आपको हम यहाँ पे दिखा रहे हैं सेम इफेक्ट अभी हम आपको 40x50 में मेरा लरी लगाया हुआ है, तो हम वहाँ पे जाके आपको इसे चला के दिखाएंगे कि ये इफेक्ट सही में चल रहा है या अपना काम कर रहा है या नहीं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसे भी हम कर दिए हैं। अब चलिए इसमें हम डालते हैं SWF फाइल कुछ, तो इसे हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। देखिए, तो ये हमने इसमें रिकॉर्ड कर लिया है। अब चलिए फिर से कोई दूसरा SWF फाइल डालते हैं इसमें। तो आपको यहाँ पे जो दिख रहा है यहाँ पे आप जितना बनाना चाहते हैं जितना बड़ा उतना आप इसमें फ्रेम लगा सकते हैं। जैसे मेरा ये जितना आप रिकॉर्डिंग का फ्रेम बढ़ाना चाहते हैं, जैसे एक डिज़ाइन का आप अगर 200, 250, 300 फ्रेम करना चाहते हैं तो वो आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम इस पर चलिए कुछ और लगाते हैं। जैसे नीचे से ही देखते हैं,
चलिए इसे हम हॉर्स रन का लगाते हैं। ठीक, तो चलिए इतना सा ही हम आपको पहले दिखा देते हैं कि ये काम करता है कि नहीं। अब इसे हम, सबसे बड़ी बात है इसे सेव करना, तो सेव करने के लिए हम यहाँ पे इनपुट पे जाएंगे। पहले हम इस वीडियो को रोक देते हैं, उसके बाद इसका इंपोर्ट करेंगे और एलईडी ई फाइल करेंगे। अब हमें जहाँ पे रखना है इसे सिलेक्ट करते हैं और हम रखते हैं, चलिए पीसी पे रखते हैं ऊपर में डेस्कटॉप। तो अभी का हम दोस्तों टाइम देख देते हैं, 17:52 हो गया है। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं मेरा जो प्रोग्राम हमने दिए हैं इस एलईडी के अंदर में दिए हैं, और इसके ये देखिए 17:51, तो ये प्रोग्राम अभी हमने लोड किया है, तो इसका टाइम आप देख सकते हैं। ये देखिए 17:52 में मेरा ये प्रोग्रामिंग लोड हो चुका था। देखिए ये मेरा प्रोग्रामिंग बन के तैयार है। अब हम इसमें क्या करेंगे दोस्तों, इसे हम अपना जो मेमोरी कार्ड है, मेमोरी कार्ड को पहले हम इसमें लगा देते हैं मेरा जो। तो चलिए इसे आपको दिखाना ज़रूरी है कि इसे किस टाइप से किया जाता है। ठीक है, तो चलिए अब हम चलते हैं अपने मोबाइल की तरफ। देखिए दोस्तों यह है मेरा मेमोरी कार्ड, तो इस पर अभी कुछ लिखा हुआ नहीं है। ठीक है, और भी मेरा मेमोरी कार्ड है जो प्रोग्रामिंग सभी हम आपको दिखाएंगे, और जो भी प्रोग्रामिंग आप हमसे लेना चाहते हैं तो हम आपको व्हाट्सएप पे उस प्रोग्रामिंग को ट्रांसफ़र कर देंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम इसमें जैसे मेरा ये मेमोरी कार्ड है तो मेरा इसमें एक लगाने का स्लॉट दिया गया मेरे लैपटॉप में, तो हम इसमें एडजस्ट कर देते हैं। और देखिए इसमें मेरा एसडी कार्ड अभी आ गया है, तो चलिए इसे हम पहले तो फॉर्मेट मार लेते हैं। यह है मेरा एसडी कार्ड, तो इसे हम कर देते हैं फॉर्मेट। तो सबसे पहले हमने मेमोरी कार्ड को फॉर्मेट कर दिया। अब जो मेरा प्रोग्रामिंग जो था उसे हम इसमें सेंड कर देंगे। ठीक है, तो यह है मेरा प्रोग्रामिंग, जैसे कि 17:52 आप देख सकते हैं इसका टाइमिंग। ठीक है, अब हमें इसे क्या करना है, इसे यहाँ से सेंड टू एसडी कार्ड, तो मेरा ये एसडी कार्ड पे लोडेड हो गया। ठीक है, अब चलिए हम इसे आपको चला के दिखाते हैं कि जो प्रोग्रामिंग हमने किया है ओरिजिनली वही चल रहा है या फिर कुछ और चल रहा है। ठीक है, तो इसे हम पहले मेमोरी कार्ड को निकाल लेते हैं। और दोस्तों वीडियो थोड़ा सा बड़ा भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम आपको लाइव दिखा रहे हैं इसलिए हम वीडियो को पॉज नहीं करेंगे। तो ये है मेरा मेमोरी कार्ड, और चलिए अभी शाम का टाइम है, मेरा यहाँ पे लड़ी सभी लगाया हुआ है। देख लीजिए इसमें एक साइन लगाया हुआ है रेड कलर का। ठीक है, तो ये भी मैं जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि मेरे पास और भी चिप है, तो इसे हम साइड में कर देते हैं। और देखिए जिसमें हम डाउनलोड किए हैं इसे हम मेरा जो T1000 मशीन है इसमें इनपुट कर देते हैं। चलिए इसे स्विच देते हैं। चलिए देखिए जो डिज़ाइन हमने प्रोग्राम किया था ये वही है या फिर दूसरा कुछ चल रहा है। ठीक है, देखिए दोस्तों जैसा कि हमने आपको वीडियो करते हुए टाइम दिखाया था, देखिए अभी सेम डिज़ाइन चल रहा है। ठीक है,
तो आप भी 2014 में अगर डिजाइनिंग करना चाहते हैं प्रोग्रामिंग, तो सेम प्रोसेस से अगर आप भी करिएगा तो इसी तरीके से आप भी कर सकिएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इसके बाद जो आएगा मेरा जो फूल का जो था, जैसे कि एक फूल अपना राउंड करता होगा, इसके बाद वाला डिजाइन वो था, और उसके बाद था फर्स्ट रन का। ठीक है, तो चलिए दिखाते हैं आपको सभी डिजाइन सेमिंग, मतलब सेम से मारा है या नहीं। तो देखिए, इसके बाद मेरा फूल का था और इसके बाद हॉर्स रन करता हुआ आएगा। तो देखिए दोस्तों, अभी हॉर्स रन कर रहा है। तो दोस्तों यही था प्रोग्रामिंग, और जो भी हमने किया था टोटल एस कनेक्शन में किया था, जैसे कि आपको हम शुरुआत में ही दिखा दिए थे कि हमने जो भी प्रोग्रामिंग कर रहे हैं वो एस टाइप में कर रहे हैं। ठीक है, तो टोटल हमने यहाँ पे जो है 2 60 एम्पेयर का एसएमपीएस यूज़ किया और 40 पट्टे हमने यूज़ किए हैं। तो ये था आज का वीडियो। तो दोस्तों आशा करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा आने पर मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आने वाले बेल का आइकन को प्रेस करके ऑल को भी सिलेक्ट कर दीजिएगा, ताकि दोस्तों आपको इसी तरह का वीडियो देखने को मिले। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।